गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सनमेक व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहा है करेक्ट, और आज बहुत इमोशनल डे है मेरे लिए। मतलब आज ना मेरी सिंतूरी को लगने वाला है टीका, फर्स्ट टीका। और सच बता रही हूँ, मैं गार्गी के टाइम पे आप लोगों को बताई है, जो जो मेरे को कंटिन्यूटी देख रहे हैं, मतलब देखते हुए आए हैं, उनको बताई है कि मैं टीके से कितना डरती हूँ बच्चों के। तो इसको टीका लग रहा है और मैं अपनी सासू माँ को लेके जाऊँगी, मेरे बस की नहीं है इसको देख पाना टीका लगने में। तो मैं रेडी तो हो गई हूँ, बस जल्दी से बर्तन वर्तन धोए, सारा काम वाम किया और ऐसे ही रेडी हो गई, प्लाजो पहन के ही जा रही हूँ। एक हाथ में चूड़ी है, एक हाथ में चूड़ी नहीं है, पहनूंगी वरना हमारी सासू माँ बहुत गुस्सा करती हैं। अगर चूड़ी वूड़ी नहीं होती है तो हाथ पैरों में, हाथ में हाथों में बिंदी लगा ली, हल्का सा लिपस्टिक लगा लूँगी, बस हो गया, और चूड़ी पहन लेती हूँ। चूड़ी मैंने ना ये बच्चों के स्नैकर्स का डब्बा है इसमें रखी है, देखो यही वाले डाले जाती हूँ कड़े। सिंतूरी मेरी रेडी है और अब मैं जा रही हूँ, सिंतूरी को फर्स्ट टीका लगने वाला है। यार बहुत बुरा लग रहा है, इसका टीका डे है और 4-5 दिन तक परेशान करेगी। बीच में आपने देखा गुन्ना इतना परेशान कर रही थी, उसको 1.5 साल का लगा है और इसे फर्स्ट फर्स्ट मंथ का लगेगा। तो चलो चलते जा, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वहाँ से डिस्पेंसरी से कॉल आ रहा है, जल्दी आओ करके ना। तो मैं सासू माँ को बोलती हूँ। ओए क्या कर रही है, इसको बंद कर देना, यहाँ फैला देगी बदला है सब। हाँ बदला है, सुबह ही बदला है। चप्पल कहाँ है मेरी अब? जीने पे सब देना पड़ता है तेरे को, ये ले। फेंक दो फेंक दो चप्पल फप्पल सब पहन ली। चलो आ जाओ, चले हम टीका लगाने। फाइनली चलते चलते पहुंच गए डिस्पेंसरी। तो मैं गई थी डिस्पेंसरी और वहाँ पर क्या हुआ कि मतलब आज टीका लगाने को मना कर दिया, क्योंकि अभी इसकी सर्दी और गले की जो आवाज़ है सर्दी की, वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। वो तो ठीक हो चुकी है, बस इसकी खांसी नहीं जा रही है। तो अभी इसे 3 से 4 दिन, मतलब बुधवार को, आज था फ्राइडे, बुधवार को इसको टीका लगेगा। तो बुधवार तक मुझे इसको ठीक करना है और ज़्यादा इसकी केयर करनी है। मैं सच बता रही हूँ, इसकी बहुत केयर करती हूँ लेकिन इसकी सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, पता नहीं क्या हो चुका है। तो अब इसको लगेगी भाप, तो जैसे ही इसके पापा आएंगे तो उनसे भाप मंगाऊंगी, भाप की ड्रॉप, और फिर मशीन हमारे पास रखी है, इसको भाप लगाना शुरू करेंगे। और क्या कर सकते हैं, ये करूँगी। और फिलहाल अब मैं बना लेती हूँ उनके लिए लंच। मैं तो कर चुकी हूँ, आके दवाई खा चुकी हूँ, मुझे कैल्शियम आयरन खानी होती है, वो खा चुकी हूँ। अब मैं 4 बजे मल्टी विटामिन्स की टैबलेट खाऊँगी। तो 6 महीने तक मैं भी अपना अच्छा खासा ट्रीटमेंट कर रही हूँ। हाँ मम्मा रो रही है पीछे से बहुत, बोलो मम्मा की बेटी। आप लोगों ने पूछा था कि गार्गी का वेट कितना है, मतलब कमेंट में पूछ रहे थे कि गार्गी का वेट कितना है ना। तो मैं बता दूं, गार्गी का वेट है 8 किलो की है शायद वो, लेकिन जिस हिसाब से गार्गी 1.5 साल की हो गई है, उस हिसाब से उसका वज़न जो है बहुत कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा। उसका वज़न लगभग 10 से 11 किलो का होना चाहिए था, और था भी, अभी कुछ टाइम पहले था उसका 10 kg वेट था। लेकिन ये है ना, बीच में बीमार होना, बच्चे का चिड़चिड़ा होना, वो बड़ी हो रही है। एक मिनट इसको दूध पिला के फिर बात करो। तो और जब मेरी ये बेटी, जब ये बेटी मेरी हुई थी तो इसका वेट 3 किलो के करीब था, और अभी इसका वेट, अभी डॉक्टर आई थी तो उन्होंने चेक किया था, तो इसका वेट मे बी 4.5 किलो का है। ठीक है, मतलब ना ज़्यादा ज़्यादा ना कम, नॉर्मल है, जितना होना चाहिए बच्चे का, स्वस्थ बच्चे का जितना होना चाहिए उतना है। और बड़ी वाली का मेरा थोड़ा वेट गिर रहा है, क्योंकि बड़ी हो रही है, चिड़चिड़ी हो रही है, ज़िद करती है और चीज़ खाने को बोलती है,
खाने में अब कम उसका ध्यान जा रहा है, जबकि मैं उसके लिए फ्रूट क्या और दलिया वलिया बनाना क्या, रोटी क्या, घी की रोटी, दूध, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ मैं अपनी बड़ी बेटी का। फिर भी बच्चा, अब बढ़ता बच्चा है ना, तो इससे चिड़चिड़ापन करती है, तो वो खाना नहीं लगता उसको, तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बट मैं अपनी बेटी को जल्दी से रिकवर कर लूँगी, ठीक कर लूँगी गार्गी को, क्योंकि मेरी गार्गी गुलू मोलू ही अच्छी लगती है। बेटी को टीका तो लगा नहीं, अब मैं घर आ चुकी हूँ और थोड़ा सा सिंतूरी के साथ खेल रही हूँ, और सिंतूरी बेड में ऐसी पड़ी है, सारा मैसअप हो रखा है, तो जल्दी से अब मैं ठीक कर देती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही मैं टीका लगाने के लिए निकल गई थी और सुबह मेरी होती है 10 बजे, तो इस वजह से नहीं कर पाई काम सारा। अब मैं घर आकर सारा काम कर रही हूँ। चल, किसी ने तो माँ बोला पहले। गुनु तो अभी तक पापा बोलते बोलते नहीं सकती। ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे। तो अभी टाइम हो रहा है रात के, कितना बज रहा है? 11 बज चुका है। मैं तो शीशे से लाइट आ रही तो दिख नहीं रही, मैं एक मिनट बाल सेट कर लूं। और 11 बज चुका है। चुप करा दो इसको, गोद पे ले लो। पापा आइए कर रही है। तो फिलहाल सारा काम मैं कर चुकी हूँ, और ये देखो इसको मैंने ऐसे तकिया में सुला रखा है। बड़ी वाली दूध मांग रही है अपने पापा से। तो मैं डायपर वगैरह सब कुछ चेंज कर चुकी हूँ, रात के लिए प्रॉपर रेडी कर चुकी हूँ, और इस तरीके से बेड के पास ही कपड़े रखे रहती हूँ सारे, इसमें गर्म मतलब सारे कपड़े रखे रहती हूँ, क्योंकि अलमारी उधर पड़ जाती है और गुन्ना की अलमारी में जगह है नहीं जो रखूँ, तो ऐसे रखने पड़ते हैं मुझे डायपर वगैरह सब कुछ। और गर्म पानी रखे रहती हूँ, फ्लास्क वाली बॉटल में गर्म पानी रखती हूँ, क्योंकि मैं इसको जो है जितना ज़्यादा टॉयलेट वगैरह या लैट्रिन बाथरूम करती हूँ तो पानी से क्लीन कर देती हूँ, ताकि रैसेस ना हो करके, मतलब तब से कर ही रही हूँ। गार्गी के टाइम पे ये चीज़ नहीं करी थी। चुप हो जा, दे दो दूध, दे दो। हल्ला करती जब तक सोती नहीं है बड़ी वाली मेरी। अब जाके उसको दूध दिया है। बुया दे दिया पापा ने, उसका भी डायपर ऐसे उसके सर पे रखे रहते हैं उसके पापा। क्या अभी कैल्शियम? हाँ, आयरन खा चुके हैं, कैल्शियम खाऊंगी अब। तो भैया ऐसे सोना पड़ता है, वो तो दवाई का ध्यान ही रखते हैं मेरा। थोड़ा गर्म है, अभी नहीं पियूंगी, फिर ठंडा कर रख दो, 2 मिनट बाद ठंडा कर लो, ठंडा कर दो जल्दी से, पी लूंगी तब। तो लोटा ही करना पड़ेगा। हाँ, ये व्लॉग पोस्ट करने के बाद सुबह, और कल मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ, बहुत स्पेशल, बहुत ज़्यादा खास व्लॉग, और मेमोरीज उसकी रखूँगी। कल मैं आप लोगों को अपनी बेटियों का नाम बताऊँगी, कि मैंने देवरानी की बेटी का और अपनी बेटी का हमने क्या नाम रखा है, ठीक है? तो कल का ये वीडियो आने के बाद दूसरा ब्लॉग का आप लोग वेट ज़रूर करना। तो मैं नाम 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 हमारा कंफर्म हो चुका है, बस ये है कि बहुत होल्ड रखा था, और टीका आज करवाने गई थी तो हुआ नहीं इसका टीका, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी, तो उस टीके कार्ड में हमने नाम कन्फर्म करवा दिया है, और कंप्यूटर में भी एंट्री हो चुकी है, तो आप लोगों को मैं कल बताऊँगी, ठीक है? मैंने सोच रखा कुछ स्पेशल करने का, छोटा मोटा अपने हाथों से DIY, मे भी देखो क्या हो पाता है पॉसिबल, वही सब करूँगी। मेरा दूध रेडी है, ठंडा हो गया। यहाँ पे मैंने चीनी डाली नहीं, मेरे को तो चीनी पीती नहीं थी, क्यों? बाबू क्यों करती है हरकत तू?